नमस्कार मेटम ऑफिस में मैं नागेंद फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैंने आपसे कहा था कि मैं इन एग्ज़ाम्स के लास्ट में आपका पूरा साथ निभाऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ टैकलिंग द साइकोलॉजिकल प्रेशर और मैं नागेंद आपके लिए यहाँ हाजिर हूँ हमने पिछली बार के मोटिवेशन और काउंसलिंग सेशन में बात की थी कि लास्ट टाइम नर्वसनेस को कैसे डील किया जाए आई होप कि आप उसे कर रहे हैं जो मैंने बताया था आज मैं दो इम्पोर्टेंट और चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो इस समय बच्चों के दिमाग में उमड़ती है नंबर सबसे से इम्पॉर्टेंट चीज़ है नंबर वन एक इनसिक्योरिटी की वजह से आपके मन में आता है कि कि दूसरों ने बहुत पढ़ा है और मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी और मेरा क्या होगा और अगर दूसरों ने बहुत सारा पढ़ा है तो क्या मैं ये कर पाऊंगा और जो दूसरा क्वेश्चन है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन इस बात को बताता है कि मैंने सारी चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भूल गया हूँ तो मैं इसको टैकल कैसे करूँ इन दोनों चीज़ों पे बात करते हैं कि नंबर एक कि दूसरों ने ज़्यादा पढ़ाई की है जो हमारे मन में आ रहा है और मेरा क्या होगा और नंबर दो कि मैं सारी चीज़ें भूलता क्यों चला जा रहा हूँ या चला जा रही हूँ ठीक है तो सबसे पहले आते हैं कि दूसरों ने ज़्यादा पढ़ाई की है अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये कंपटीशन है ये अब सभी जानते हैं तो क्या इस कंपटीशन में कोई पढ़ाई करे बिना भी आ रहा होगा होंगे कुछ परसेंट लोग होंगे लेकिन आपको लगता है कि बिना पढ़े कोई आएगा नहीं बहुत ऑब्वियस सी बात है तो हमारे मन में ये जो दूसरों ने ज़्यादा पढ़ा होगा ये सीधे सीधे एक इनसिक्योरिटी को दिखाता है आपकी अच्छी तैयारी के बावजूद भी आपके मन में क्वेश्चन आते हैं और अगर आपकी तैयारी मेडियोकर लेवल की है तब भी आते हैं और जिन्होंने कम टाइम पे तैयारी शुरू की थी हो सकता उनकी तैयारी अच्छी हो तब भी आते हैं तो इसका जो है हम अपने दिमाग में क्या सॉल्यूशन रखें तो सबसे पहली चीज़ कि आप दूसरों के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दें कि दूसरे ने क्या किया होगा सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई पर विश्वास करना शुरू कीजिए और जैसे ही आपको आता है कि दूसरों ने क्या क्या होगा आप कहिए कि वट एवर आई हैव डन इज सफिशियंट जो मैंने किया है वो सफिशियंट है मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं अब जैसे ही आप आपको एक कब आप कहना है जैसे आपके माइंड में एक बार भी नेगेटिविटी आती है कि दूसरों ने तो इतना पढ़ा है ही आप कहिए कि आई वट एवर आई हैव डन इज सफिशेंट मैंने जो किया है वो मेरे लिए भी सफिशियंट है मैं दूसरों के बारे में क्या करूं जब मैं दूसरों को जानता ही नहीं ठीक है ये कहना कैसे यह आपने जोर से कहना है मन में नहीं क्योंकि आपने उस थॉट को तुरंत काटना है जैसे आपके मन में अरे यार दूसरों ने क्या ज़्यादा पढ़ रखा मेरा क्या होगा तुरंत तो अपने माइंड को एक झटका दो अगर झटका नहीं दोगे तो नहीं होगा एकदम झटका दो अरे हो गया जो भी पढ़ा है पढ़ा होगा व्हाट एवर आई हैव डन इज सफिशेंट मैंने भी कुछ कम नहीं पढ़ा है ठीक है मैं दूसरों को क्या सोचूं? मुझे अपना पढ़ना है अपना देखना है तो ये आप कमांड करना शुरू कीजिए मैंने कल कहा था कि निगेटिव नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है कि आई हैव डन इज सफिशियंट दूसरी चीज इसी के लिए दूसरा रूल क्या है जैसे ही आप आएंगे लाएंगे तो आपको एक एक और सेंटेंस एक और पॉजिटिव स्टेटमेंट से इसको बैकअप करना है और वो बैकअप क्या है जैसे आपने कहा वट एवर आई हैव डन इज सफिशियंट लेट अदर्स डू वट एवर दे आर डूइंग मेरी भी कुछ कम तैयार नहीं है तो आप जो स्टेटमेंट लाना है वो क्या लाना है और यार मुझे क्या चाहिए मुझे एक सीट चाहिए दूसरों से मुझे क्या मतलब आई हैव टू सिक्योर माई वन सीट और वो वन सीट मैं लेके रहूंगा वो वन सीट मेरी आ रही है तो आपको एक सीट चाहिए आप दूसरों के बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं थिंक अबाउट योर वन सीट एंड यू नीड ओनली वन सीट एंड दैट यू विल क्रैक अपने माइंड को ऐसे पॉजिटिव थॉट्स से दूसरे वाले से इमीडिएटली बैकअप करो तो जैसे ही थॉट आया आपने क्या करना है कि यस आई हैव डन गुड प्रिपरेशन वट एवर आई हैव डन इज सफिशियंट और दूसरा थॉट तुरंत बैकअप करो मुझे तो एक ही सीट चाहिए यार एक सीट चाहिए एक सीट तो मैं लेके रहूँगा आखिर सौ डेढ़ सौ एक सौ सत्तर या डेढ़ सौ या एक सौ बीस जितनी भी सीटें हैं उसमें मेरी एक सीट ऐसा तो नहीं, नहीं आ सकती ठीक है तो मेरी एक सीट आनी है दैथ सेट सो दिस इज़ वाट आई नीड इन ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन एंड वट वेन एवर दीज निगेटिव थाट्स एक्चुअली यू कैन से दैट सराउंड माई माइंड अब क्या इसके अलावा भी कुछ है यस yes, और चीज़ें हैं जिससे आपको ये चीज़ को और uh, एक तरीके से डील करने में बहुत ही आसानी रहेगी तीसरी चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दूसरों के बारे में तीसरी चीज़ आप लाओ इस बात की क्या गारंटी है जो दूसरे पढ़ रहे हैं वही आएगा ठीक है अगर दूसरे कोई तैयारी कर रहे हैं आप ये सोच के मत घबराइए कि दूसरे जो पढ़ रहे हैं वही आएगा आपको पता है कि क्या पढ़ रहे हैं कुछ लोग कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि हम जितना पढ़ रहे हैं वो यहाँ वहाँ आने लायक है या कि नहीं ठीक है जब मैं पहले से अपने स्टूडेंट्स को डिस्कशन के लिए ग्रुप खोलता था और मैं कहता था इसमें क्वेश्चन डालू और मैं उस पर नज़र रखता था देखता था कि शुरू में अस्सी नब्बे परसेंट ऐसे क्वेश्चन बच्चे डालने लगते थे जिनके कहीं से कहीं तक आने की उम्मीद ही नहीं है और वो खूब पढ़े जा रहे हैं उन्हें फिर मैंने उन्हें गाइडेंस दिया कि ऐसे नहीं इस लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर ये और तब जाके बच्चे उस लाइन में आए तो आपको कैसे पता कि दूसरे लोग वही पढ़ रहे हैं जो वहां आना है तो ये है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिससे आप सिर्फ अपने आप को क्या करें भयभीत कर रहे और फिर डर तो आपको पता है कि किसी काम नहीं आता कभी भी ठीक है अरे तुमने एक कदम बढ़ाया है उसे बढ़ाओ आगे पॉजिटिव थॉट रखो ठीक है अब ये सोचोगे कि ये वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो इस मामले में मुझे एक बात आती है ये ना सोचो कि क्या होगा ये ना सोचो कि क्या होगा अरे कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा जब हम क्या होगा मैं भी इतनी पॉजिटिव चीज ला सकते हैं कुछ नहीं होने पर भी हम तजुर्बे वाली पॉजिटिव चीज ला सकते हैं तो इंसान का माइंड अपने लिए पॉजिटिव रास्ते ढूंढ सकता है और वो सब आप में है आप उस पॉजिटिव चीज को दबाए हुए हो क्योंकि प्रेशराइज हो निगेटिव थॉट्स से ठीक है तो आप सबसे बड़ी बात ये दो जो दो चीजें मैंने बताई है इसको याद रखिए और तीसरी चीज आपको जो याद रखनी है कि दूसरे जो कर रहे हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं और ऐसा होता है दोस्तों आपको क्या पता कि जो दूसरे कर रहे हैं मान लिया बहुत अच्छा किया दूसरों ने चलो एक सिचुएशन रखता हूँ आपको क्या पता कि वो एग्जाम हॉल में वैसा ही परफॉर्म कर लेगा जैसा उसने तैयारी की है यू डोंट नो यू हैव नॉट ए सिंगल आइडिया कि एग्जाम हॉल में सारी बाजी पल भर में बदल जाती है इसीलिए मैं आपके लिए ये सारे वीडियोस डाल रहा हूँ कि उस बाजी को पलटने मत देना जितनी आपकी इंटेंसिटी है प्रिपरेशन की उसको मेंटली और साइकोलॉजिकली कैसे ग्रूम करना मेरे साथ कि वहाँ पर बाजी पलटे नहीं तो कई बार वो बाजी पलट जाती है इसलिए आप दूसरों से मत घबराइए चलो एक सिचुएशन रखता हूँ आपके सामने कि बहुत बढ़िया तैयारी थी दूसरे दो दू, एक सो so कॉल्ड दूसरा था और उसकी बहुत बढ़िया तैयारी थी वो टॉपर आ सकता था लेकिन उसकी कई और चीज़ें पे डिपेंड करती हैं क्या वो एग्ज़ाम हॉल में कितने बजे पहुंचा क्या वो एक दिन पहले से पढ़ाई छोड़ चुका चुका था या क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस दिन बड़े मज़े से आया और उसको गाड़ी नहीं मिली और देर रहा हबड़ तबड़ में आया अंदर घुसा और जल्दी जल्दी में उसने रोल नंबर भरा और तैयारी शुरू हो गई आपको बता दूँ फिफ्टी पेपर तो उसका वहीं ख़त्म हो गया ठीक है क्या पता उसने कुछ बहुत हैवी खाना खा लिया हो स्टाइल से और क्या मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ हो सकता है उसके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई या फिर कि वो वहाँ एग्जाम में जो है थोड़ा एनर्जी लेस फील करने लगा क्या पता कि उसका जो है एडमिट कार्ड उसने सोचा कल निकाल लेंगे वहां उसकी कोई फोटोस्टेट या प्रिंट आउट की दुकान नहीं लें सुबह से वो यही भागने में लगा रहा बहुत डिस्टर्ब रहा क्या पता उसने रास्ट दिन इतना पढ़ दिया कि वो बहुत ही प्रेशराइज हो गया नींद नहीं ले पाया नोबडी नोस कि उस दिन क्या होने वाला है और वो दूसरा जिसको लेकर आप घबरा रहे हैं वो वैसा ही परफॉर्म करने वाला है जितना आप घबरा रहे हैं जब सिचुएशन ही हाइपोथेटिकल है तो व्हाई शुड यू फियर टेल मी दिस इज द मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सो कॉल्ड मोटिवेटर्स मैं उनकी तरह को बहुत हाई फाई बातें नहीं कर रहा हूं और ना मैं अपने को काइनेस्थेटिकली बहुत हिला डुला रहा हूं या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि जीतना है आपको आज ऐसा कुछ नहीं है ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन से डर रहे हैं एंड व्हाई टू फियर व्हाई टू सेक्रीफाइज अवर हार्ड अर्न नॉलेज जस्ट बाय अ लिटिल बिट ऑफ हाइपोथेटिकल फियर और ये अगर हम करेंगे तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी तो आशा है कि आप ये नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे जो सो so कॉल्ड दूसरे हैं वो सो so कॉल्ड दूसरी दूसरी चीजें कैसे कर रहे हैं आपको नहीं पता दूसरे जो सो so कॉल्ड दूसरे हैं वो सो so कॉल्ड दूसरे एग्जाम में क्या क्या चीजें कर रहे हैं क्या करेंगे आपको नहीं पता बट यू कैन टेक यूर गारंटी

भूलने के कई साइकोलॉजिकल कारण हैं एक तो आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए प्रेशराइज कौन कर रहा है वो सामने जो लंबा चौड़ा सिलेबस है और ढेरों किताबें जो आपने रख रखी हैं, आप मानो ना मानो ये प्रेशराइज कर रहा है रोज रोज सिलेबस मत देखो यार कितना देखोग यार सिलेबस देखने के दिन गए मत देखो सिलेबस जो कर लिया उस पर विश्वास करो उसको रिवाइज करो अपना जो इकट्ठा किया है उसको मत भूलो उसको पहले सिलेबस हटा दो यार और रोज रोज मत पढ़ो प्लीज नहीं पढ़ा दस टॉपिक भी छूटा है छोड़ दो यार तुम्हें तो क्या पता हूँ दस टॉपिक में से दस क्वेश्चन ही आ जाएंगे कभी कभी तो ये होता है कि उन दस टॉपिक में से कोई एक भी क्वेश्चन ना आए इतना बड़ा कोर्स है और आपको 35 क्वेश्चन कहीं 15 कहीं दस निकालने तो आप क्या आपको क्या लगता है सारे टॉपिक्स आएगा नहीं तो अपने वाले टॉपिक पे विश्वास कर लो वाई टू मेक यूर सेल्फ नेगेटिव ठीक है तो पहली बात सिलेबस सिलेबस पढ़ना छोड़ो देखना छोड़ो मेरा ये नहीं हुआ मेरा वो नहीं हुआ कुछ नहीं अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने कोई सिलेबस अगर नहीं भी कराया होता मान लिया एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो मैं अब तो नहीं कराता बिल्कुल भी ठीक है बिकॉज आई नो दैट दिस इज शेयर फोलिनेस ने फॉलिशनेसनेस ठीक है तो इसलिए पहले तो ये चीजें हटाओ दूसरा आपको एक गारंटेड बात बताता हूँ कि अगर आपने मेहनत से पढ़ा है किया है तो आपका सबकॉन्शियस इतना स्ट्रांग होता है आपका कॉन्शियस इतना स्ट्रांग होता है कि वो चीज़ आपको याद रहती है लेकिन आप प्रेशर की वजह से आप उसे गलत कर हो या सोच रहो भूल जा रहे आप सोचो ना क्या है एक क्वेश्चन है एक दो तीन चार चीज़ें उसमें से एक आंसर है एक दो तो तुम यूं ही हटा लोगे यार और उन दो में एक वैसे ही आ जाएगा तुम्हें चलो यह भी ना करूं एक चीज देखिए एग्जाम में जब आपके सामने चार क्वेश्चन आते हैं, तो एक आपको अचानक से आता यह था पहली पहली नजर में उसको लगा आना भाई उसको छोड़ने की बिल्कुल भी हिमाकत मत करना पहली नजर में अगर क्वेश्चन का कोई आंसर ब्लिंक कर गया भाई वो ही है आंसर उसके बाद ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करना ज्यादा जीनियस बनने की कोशिश मत करना क्योंकि वो सब कॉन्शियस से इरप्ट हुआ है और इरप्ट ऐसे नहीं हुआ है इसका मतलब यू हैव गॉन थ्रू दैट एक्सपीरियंस वो इरप्शन को आप इग्नोर ना करें तुरंत लगाइए और उसके बाद कई लोग भरते वक्त उसे बदल देते हैं क्योंकि वो एक बार उसे सोचने लग जाते हैं ज्यादा सोचना मत भाई इतने प्रेशर में सीधे जो पहली बार में आ गया था वो ही है अगर ना मानो तो खुद से पूछ लो पिछले कई साल की जो है रिजल्ट में क्या हुआ था जब आपने लास्ट में ज्यादा दिमागदार बनके कोई ऑप्शन चेंज कर दिया था क्या हुआ था घर में आके बाल नोच लिए थे और मैंने एक वीडियो डाली थी सिक्स मिस्टेक्स बाई एलटी स्टूडेंट्स अब देखने का वक्त आ गया है देखिए उसे आप सभी लोगों से निवेदन है मैं इसके नीचे डालूंगा उसका लिंक आप देखिए और बताइए कि मैंने कितनी प्रैक्टिकल चीज़ें उसमें बताई हैं और मैंने एग्ज़ाम के बाद भी नहीं छोड़ा आपके लिए मैंने एग्ज़ाम के बाद कितने सौ बच्चों से बात करके सारी चीज़ों का निचोड़ ला के फिर आपको एक इंप्रूव करने का एक मौका दिया था तो सबसे पहली बात आप अपने कॉन्शियस आपके सबकॉन्शियस पे बिलीव कीजिए दूसरा आप भूले नहीं हैं बस हो सकता है कि आपके रिवीजन में कुछ प्रोसेस में गड़बड़ा रहा हो क्योंकि 80 परसेंट चीज़ें आप जो है भूल जाते हैं 24 घंटे में तो अगर आप किसी चीज़ को भूलें तो आप 80 परसेंट जो है आपको एक सजेशन दूंगा जो भी पढ़ रहे हैं नया या जो भी नए क्वेश्चन या अच्छे क्वेश्चन है उसको एक दिन के अंदर एक बार रिवाइज जरूर कर लें अगले दिन के कार्यक्रम में अगले दिन के शेड्यूल में उसे पहला नंबर दें दूसरा एक और चीज कि आप जब ये आ, कोई भी चीज़ रिवाइज कर रहे हैं ठीक है और आपने देखा कि ये कुछ है जो मेरे को बार बार अटक रहा है अरे यार और फिर आप रो रहे हो अरे ये तो याद ही नहीं हो रहा अरे ये तो याद ही नहीं हो रहा अरे भाई अगर एक बार अटका चलो तुम्हें नहीं हो दूसरी बार अटका तो तुम इतने मूर्ख मत बनो कि ये बार बार क्यों अटक रहा है उसका इलाज वहीं करके आगे बढ़ो लोग इलाज नहीं करते लोग एक बार अटका पढ़ लिया अरे हाँ यार याद आ गया दूसरी बार अटका पढ़ लिया हां याद आ गया उस दिन भी था तीसरी बार अटका अरे यार ये बार बार अटक अरे क्यों अटक रहा है उसका इलाज वहीं कर दो डेस्टिनी तुम्हें मौका दे रही है यार तीन बार तुम्हारे सामने प्रश्न आया अटका क्यों अटका तो इलाज कर दो किसी चीज से जोड़ दो हुक से जोड़ो कुछ इमेजेस बनाओ अनयूजल इमेज बनाओ कुछ ट्रिक बनाओ कुछ बनाओ बहुत सारी ट्रिक्स हैं ठीक है तो आप उन सबको खेल सकते हैं न्यूमेरिकल के साथ खेल सकते हैं शेप के साथ खेल सकते हैं ठीक है मैं ऐसा करवाता हूँ अपने वहाँ के स्टूडेंट्स को मैंने कई सौ क्वेश्चन ऐसे ही याद करा दिए और डेट्स कि उन्हें अनयूजल इमेजेस और हुक के साथ जोड़ के तो करो कुछ एफर्ट करो लेकिन ये नहीं कि अरे यार, यार ये क्वेश्चन मेरे से बार बार अगर बार बार हो रहा है तो तुम मूर्ख हो तुमने उसके लिए इलाज क्यों नहीं किया पहली बार में इलाज करो ना उसका कि क्यों अगली बार ये नहीं होना चाहिए मिस समझ रहे हैं आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तीसरी चीज़ वही है कि निगेटिव कमांड मत दो कि मुझे कुछ नहीं आ रहा मुझे याद नहीं है मैंने पहले कहा था दिमाग को निगेटिव मत देना लास्ट में एक चीज़ के साथ ख़त्म करूँगा जापान में एक सर्वे किया दो रूम में पानी की बोतल रखी खाली सिंपल पानी की बोतल और उसमें आठ दस लोगों को इस रूम में भेज दिया आठ दस लोगों को इस रूम में और एक कमरे में कहा कि बोतल के सामने पानी की बोतल के सामने आप खुद गंदे थॉट नेगेटिव थॉट गंदी बातें ये सब बोलो और दूसरे वालों से कहा कि आप पॉजिटिव बोलो अच्छी बातें करें लाइफ के बारे में पॉजिटिव आउटलुक वाली दोनों ग्रुप ने किया और एक महीने तक लगातार ये रहा जब उस बोतल को खोला गया उसके सील को और जब उसके पानी को टेस्ट किया गया यू विल नॉट बिलीव जो निगेटिव चिल्ला रहे थे या निगेटिव बातें करते उस पानी के जो अंदर जो माइक्रोस्कोपिक वर्जन था उसमें जितने भी जर्म्स या जीवाणु थे वो बहुत ही डिस्टर्ब स्ट्रक्चर में थे और जो पॉजिटिव लोगों के वाले कमरे का पानी था उसमें बहुत ही रिफाइंड और बिल्कुल ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर था जब अंदर पानी के माइक्रोस्कोपिक वर्जन में तक ये नेगेटिव थॉट्स और बातों का इतना असर पड़ सकता है तो आप तो खुद को देने वाले कमांड तो कितना होगा इसलिए दोस्त निगेटिव नहीं पॉजिटिव जितना एग्जाम नजदीक आ रहा है उतना रिलैक्स हो जाओ आई एम फुली प्रिपेयर रिलैक्स नो टेंशन नो थॉट दिस टाइम आई एम न्यूट्रल कोई मुझे डर नहीं है और हाँ एक थॉट का याद रखना ये मत डालना अपने मन में करो या मरो की सिचुएशन हो गई इस बार नहीं तो कभी नहीं प्लीज़ ये आपके मन को बहुत प्रेशराइज़ करता है थॉट ये लेके ना एग्जाम में जाना न यहाँ लोग सोचते हैं अपने को मोटिवेट करना है। इस बार नहीं तो कभी नहीं आई हैव डू ओ नो प्लीज़ वो आपको हमेशा क्या करेगा जरूरत से ज्यादा प्रेशराइज़ कर देगा बल्कि रिलैक्स हो मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया मैंने अपना बेस्ट किया है और मैं जो कर रहा हूँ आगे की बातें भी जारी रखूंगा एग्जाम के पहले दिन तक नहीं छोड़ूंगा इतनी आसानी से ठीक है निकाल के दिखाना है चाहे आप मेरे से पढ़ते नहीं पढ़ते लेकिन निकालिए ठीक है कम से कम जिंदगी का फलसफा सीखिए किसी चैलेंज को लेने का फलसफा सीखिए तो फिर चलते हैं अगली बार फिर मिलते हैं ज़्यादा दूर नहीं कल और आज ही एक और वीडियो आएगी वर्ड्स नॉन इम्स आप कह रहे थे ना ठीक है थैंक यू हैव हैवे नाइस डे प्लीज़ सब्सक्राइब करना शेयर करना और कमेंट ना छोड़ें यू आर माय स्ट्रेंथ यू ऑल आर माय फैमिली थैंक यू हैव ए नाइस डे